सूजी से आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल नए तरीके का नाश्ता, जिसे आप एक बार ट्राई कर लेंगे तो आप हमेशा के लिए इसे अपने नाश्ते में ज़रूर शामिल कर लेंगे। ये बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाता है। इसे बनाने में मैं बहुत ही कम ऑयल का इस्तेमाल करूँगी, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे एक कटोरी सूजी। सूजी हम मोटी वाली या बारीक वाली कोई सी भी ले सकते हैं। इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे एक बड़ा चम्मच दही और साथ ही साथ इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। नमक बहुत हल्का रखेंगे, आधा चम्मच। अब इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नॉर्मल पानी से इसे गूंथ कर इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से मसलते हुए हमें इसे गूंथ लेना है। इस तरह से मैंने इसका डो तैयार कर लिया है। इसे आप किसी सॉफ्ट कॉटन कपड़े से ढककर रख देंगे। अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने चार उबले आलू ले लिए हैं। चार आलू एक कटोरी सूजी के लिए पर्याप्त हैं। अब हम एक पैन में ले लेंगे सरसों का तेल। इसमें राई और जीरे का तड़का लगाएंगे, साथ ही साथ डालेंगे दो से चार करी पत्ते। अब इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, साथ ही साथ इसमें जाएगा थोड़ी सी हल्दी पाउडर। इन सभी मसालों को अच्छे से भून लेंगे। उबले हुए आलू को हम मैश कर लेंगे हाथों से ही और इसमें मिक्स कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, साथ ही इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हरी धनिया। इन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आलू को कुछ देर हम भून लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे एक चौथाई चम्मच खटाई पाउडर। तो बस अब हमें इन्हें अच्छे से भून लेना है। कुछ सेकंड्स के लिए ढककर भी हम इन्हें रखेंगे ताकि नमक अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। अब हम आलू को साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब अपने डो को भी देख लेते हैं, ये भी अच्छे से सेट हो चुका है। अब इस डो को हम तीन चार हिस्सों में बांट लेंगे। अब इसकी एक थिक लोई बनाकर हम इसे बेल लेंगे। ध्यान रहे इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसे हम हल्का थिक रखेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे गोल शेप में बेल लिया है। इस तरह से आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, ये थोड़ा मोटा ही मैंने बेल रखा है। अब हमने जो आलू का मिक्सचर तैयार किया था उसे हम इस पर स्प्रेड कर देंगे। स्पून की हेल्प से इसे अच्छे से दबाते हुए फैला दें। अभी अच्छी तरह से इस पर फैल गया है। अब हम इसका रोल तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम इसे दोनों हाथों से धीरे धीरे से रोल करेंगे इसे दबाते हुए। आपको पानी वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है, ये ऐसे ही अपने आप से चिपक जाएगा। इसी तरह से हम सारे रोल्स तैयार कर लेंगे। अब एक स्टील की छलनी ले लेंगे, इस पर लगाएंगे हल्का सा ऑयल। अब इस पर हम सारे रोल्स को बिछा देंगे। रोल्स के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देंगे हाथों से। अब एक बर्तन में हम पानी रख देंगे थोड़ा सा उबलने के लिए। इस पर हम स्टील की छलनी को रखकर भाप लगा लेंगे। इसे कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। तो अब ये पककर तैयार हो गया है। पकने के बाद यह थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। इसे कुछ देर के लिए ठंडा हो जाने दें। ठंडा हो जाने पर इसे हम चाकू से कट करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर दिखाई दे रहा है अंदर से। हम इसके छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा नाश्ता तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसे ऐसे ही चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में काफ़ी मुलायम होते हैं। अगर आपको क्रिस्पी पसंद हो तो आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं। मैं इसे बनाने वाली हूँ थोड़ा सा चटपटा, तो मैं इसे फ्राई करूँगी। तो चलिए फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में ले लेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। ऑयल को पूरी कढ़ाई में अच्छी तरह से फैला देंगे। इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्चें, आधा चम्मच जीरा, राई के दाने, चार पांच पीसेस करी लीव्स के,
तड़के को अच्छे से लाल हो जाने देंगे। अब हमने सूजी का जो नाश्ता कट करके रखा है उसे ऐड कर देंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करेंगे क्योंकि हमने पहले से भी नमक डाल रखा है इसमें। अब इसमें आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर मिक्स करेंगे इसे बहुत ही चटपटा बनाने के लिए। थोड़ा सा खटाई पाउडर ऐड कर रही हूँ इसमें, साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च। अब इसमें जाएगा थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। अब इसे हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे बहुत ही सावधानी से मिक्स करें। कुछ देर के लिए इसे खुला ही भून लेंगे। इस तरह से मैंने इसे थोड़ा सा स्पाइसी और चटपटा बना दिया है। साथ ही इसे हरी धनिया से गार्निश कर लेंगे। हरी धनिया डालने के बाद इसे कुछ सेकंड्स के लिए ढककर पका लें ताकि भाप से हरी धनिया जो है इसमें अच्छे से चिपक जाए और नाश्ता हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो बस कुछ सेकंड्स के लिए मैंने इसे भून लिया, अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आप इंजॉय कर सकते हैं सूजी का बिल्कुल नया और क्रिस्पी नाश्ता। तो ये देखिए इस तरह से हम इसे सर्व करेंगे तो देखने में भी ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है और इसे देखते ही सभी के मुँह में पानी आने वाला है। तो आप भी ये नाश्ता ज़रूर ट्राई करें। घर में आसानी से मिलने वाली सामग्रियों से बना ये नाश्ता वाकई में बहुत ही टेस्टी बनता है। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आप भी बनाएं खाएं, सबको खिलाएं, एंजॉय करें सूजी का ये गर्मा गर्म टेस्टी नाश्ता। और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करिएगा।